वेलकम। प्रीवियस लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और कुछ प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी रिलेशन। इफ वी हैव टू सेट एक्स एंड वाई, देन द बाइनरी रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। बाइनरी रिलेशन ओवर एक्स एंड वाई इज अ सेट of ordered pairs x y, where x belongs to set x and y belongs to set y. Okay, number of possible binary relations. Agar set x mein p elements hain aur set y mein q elements hain, then we know ke cartesian product ke set mein p multiplied by q elements honge. Aur hame pata hai agar ek सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट की तादाद 2^n होती है। और क्योंकि बाइनरी रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का, तो नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी रिलेशन हमारे पास 2^p मल्टीप्लाई बाय q बनेंगे, यानी कि 2^ नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। If we have a set A consist of elements A, B and C and set B consist of elements X, Y and Z, their Cartesian product is this, and we take a subset from Cartesian product set which is this AY, BZ and CZ wala humne subset le liya hai. This is a binary relation over set A and set B. You can also see from here, A जो है वो pair बना रहा है Y के साथ, B pair बना रहा है Z के साथ and C pair बना रहा है Z के साथ. This is a binary relation, a subset of Cartesian product. एक और example देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो sets हैं, एक this and this, और हमारे पास -9 1 के साथ पेयर बना रहा है, -5 5 के साथ पेयर बना रहा है, 1 8 के साथ पेयर बना रहा है, 7 1 के साथ एंड 7 4 के साथ। दिस इज आल्सो अ बाइनरी रिलेशन। ओके, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है देन यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।